जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन को तीन मई तक आगे बढ़ा दिया गया है हम सब अपने घरों में हैं और जाहिर सी बात है अपने खाने पीने पर खासा ध्यान दे रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहने से हड्डी से जुड़ी कई तरह की परेशानी भी हो सकती है जी हाँ घर से बाहर नहीं निकलने से शरीर में धूप नहीं लगता और इससे विटामिन डी की कमी हो सकती है लंबे समय तक घर में रहने से ज्वाइंट की समस्या जोड़ों में दर्द हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी विटामिन डी की कमी की शिकायत हो सकती है वैसे इस कमी को घर में रहते हुए भी दूर किया जा सकता है आप छत पर व्यायाम करें या टहले सुबह 10 बजे से दोपहर 2 दो बजे के बीच 15 मिनट से आधे घंटे तक शरीर में धूप लगने दें। दूसरी तरफ आयुष मिनिस्ट्री ने भी शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का कुछ तरीका बताया है जैसे दिन में गर्म पानी पीते रहना है दैनिक योगा करना है खाने और दैनिक डाइट में कुछ मसालों को शामिल करना है जैसे हल्दी जीरा धनिया इत्यादि इसके साथ ही आयुष मिनिस्ट्री द्वारा काढ़ा बनाने की भी एक रेसिपी बताई गई है तुलसी दालचीनी काली मिर्च सूखी हुई अदरक मुनक्का आदि मिलाकर एक घोल बनाना है और इस काढ़े में गुड़ या नींबू का रस भी मिला सकते हैं सभी चीजों को उबालना है और ठंडा कर पीना है इसके अलावा जो इम्यूनिटी बढ़ाने का इलाज बताया गया है उसमें हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क भी शामिल है 150 मिली गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। ऐसे अन्य के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्वतः समाचार